दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। इसी के तहत कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी झुग्गी कैंपेनिंग चला रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल का रेवड़ी पर चर्चा अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, निगम पार्षदों, विधायकों और जमीनी स्तर पर काम में उनको लगा दिया है। वहीं दिल्ली में मेयर महेश खींची भी पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार वार्ड विजिट कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आरती राय ने मेयर महेश खींची से की खास बातचीत। दिल्ली मेयर महेश खींची हमारे साथ, आज नजफगढ़ दिल्ली आपका विजिट है। ऐसे में सर, इस क्षेत्र में देखा जा रहा है कि कूड़े कचरे का ढेर काफी देखने को मिलता है, अवैध पार्किंग देखने को मिलती है, इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं सर? देखिए, आज हम नजफगढ़ जोन में है, हमारे साथ पार्षद हमारे गिरिशा जी भी मौजूद हैं, और हमारे जो भी पॉइंट हैं जीबीवी के, हम उनको सभी जीबीवी पॉइंट हैं जहां पर लोगों द्वारा कूड़ा एक पहाड़ से इकट्ठा बना दिया जाता है, उसको सभी को हम रिमूव कर रहे हैं, और ये प्रयास हमारा बहुत सफल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम पिछले 15 दिन से, मैं खुद जब से मेयर बना हूं, मैं हर विधानसभा के हर प्रत्येक वार्ड में जाके जो भी हमारे जीबीवी पॉइंट है उनको सबको मैं खत्म करवा रहा है हम धीरे धीरे, और लगभग सभी पर जीवी पॉइंट हमारे खत्म होते नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है। सर, जब से आपने ये पदभार संभाला है तब से आप लगातार हर क्षेत्र में विजिट कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर पोल्यूशन भी ज्यादा है, पोल्यूशन को लेकर आप क्या कुछ? देखिए, पोल्यूशन के तौर पे दिल्ली सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। रेगुलर हमारी जो वाटर फॉगिंग की मशीनें हैं वो सब जगह चल रही है पीडब्ल्यू के माध्यम से, और जो जीप ग्रैफ 4 लगा दिया गया है जिसमें जो भी कंस्ट्रक्शन के काम है, जो धूल कंक्रीट के से धूल मिट्टी से जुड़े काम है सबको बंद करा दिया गया है, तो दिल्ली सरकार इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। और बाकी हमारा तो केजरीवाल जी के नेतृत्व में यही प्रयास है कि दिल्ली को साफ और सुंदर बनाया जाए, उसी मुहिम के तहत हम सभी विधानसभा के सभी वार्डों में जाके जो भी हमारे कूड़े के पॉइंट है उन सबको हम रिमूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्किंग की समस्या बता रहे थे, हमने डीसी को निर्देश दे दिए कि जो भी गाड़ियां यहाँ कई महीनों से खड़ी हैं उनको आप सबको उठाया जाए और जब्त करें। सर, 5 महीने से भी कम समय है सर आपका कार्यकाल का, तो ऐसे में इस क्षेत्र की अगर बात करूँ, क्योंकि ये क्षेत्र मेरा ही है जिसमें मैं रहती हूँ, और इस क्षेत्र में अंदर के जो रोड्स हैं वो काफी खस्ता हाल है, कई बार रिक्शे भी पलट जाते हैं, रोडों की हालत इतनी जर्जर है ना सर, और लाइटिंग की भी, स्ट्रीट लाइट हो गया, कूड़े का ढेर हो गया, ये सब चीजें बहुत यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल, हम सभी कामों पे काम कर रहे हैं, जो पॉइंट है जो कूड़े के उनको तो हम रिमूव कर रहे हैं, जो गलियां जो है उसके लिए जो भी क्षेत्रवासी वहां से हमें शिकायत देते हैं उन गलियों को हम निर्माण करवाने में करवाते हैं, और बाकी लाइटें तो लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइटें तो हर जगह मौजूद है लाइटें, और जिसको भी लाइट लगवानी है तो लोकल जो हमारे पार्षद है वहां पे आप अपना बिजली का बिल दीजिए, वो लाइट लग जाएगी वहां पे। शुक्रिया। जिन्होंने कहा कि यहां पर विजिट करके वो सभी क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही यहां पर लाइटिंग की सुविधाएं, कूड़े के गार्बेज हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं